नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम लेटेस्ट थ्योरी के अंडर कुछ और डेफिनेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड। अगर आपने रियल एनालिसिस के अंदर ये वाला टॉपिक पढ़ रखा है तो इसको आपको समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अदरवाइज भी मैं आपको इसको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड का मतलब क्या है। हमारे पास में सपोज पी कोई भी एक पोसिट है और x जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है p का। p हमारे पास में कोई भी एक पोसिट है, x जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है p का। कोई भी एलिमेंट a जो कि पोसिट p का एलिमेंट है, उसको हम x का अपर बाउंड कब कहेंगे? उसको हम x का अपर बाउंड कब कहेंगे जब वो x लेस देन इक्वल टू a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। यानी ये जो a है वो x के सभी एलिमेंट्स से बड़ा हो जाएगा। ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि a जो है वो x का अपर बाउंड है। और अगर किसी भी सेट का अपर बाउंड पोसिट में एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं कि x जो है वो बाउंडेड अबव है। x क्या है? बाउंडेड अबव है। इसी तरह से हम लोअर बाउंड की बात करते हैं, हमारे पास में कोई b बिलोंग्स टू p कोई भी एक एलिमेंट है, उसको हम लोअर बाउंड ऑफ x कब कहेंगे? जब हमारे पास में b जो है वो x के सभी एलिमेंट से छोटा हो जाए, यानी b लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। ऐसे केस में अगर हमारे पास में b एग्जिस्ट करता है तो हम ये कहते हैं x इज बाउंडेड बिलो बाय b। तो ये हमारे पास में अपर बाउंड, लोअर बाउंड, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो की डेफिनेशंस थी। अब मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है आपको दोनों की लिख के बताती हूं। लेट p बी अ पोसिट एंड x इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ p, x कंटेन्ड इन इक्वल टू p, देन a belongs to p is called an upper bound of x if x less than equal to a for all x belongs to x। आगे x is called bounded above if and only if x has an upper bound, x has an upper bound in p। हम x को bounded above set कब बोलेंगे? जब उस x का कोई upper bound exist करे poset p के अंदर। ये सेम चीज को रिवर्स करते हुए हम लोअर बाउंड की डेफिनेशन को लिखते हैं यहां पर, और बाउंडेड बिलो। यहां पर हमने डेफिनेशन लिखी है अपर बाउंड और बाउंडेड अबव की। इसी तरह से हम यहां पर नीचे डेफिनेशन लिखते हैं लोअर बाउंड और बाउंडेड बिलो। यहां पर मैं बहुत जगह पर बाउंडेड ये जो वर्ड है इसकी जगह इसकी शॉर्ट फॉर्म BDD लिखने वाली हूं। आप इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। BOUNDED की शॉर्ट फॉर्म मैं यहां पर BDD लिखने वाली हूं। ये एक स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये नहीं है कि ये स्टैंडर्डली हर जगह यूज करी जाती है, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं बाउंडेड की जगह पर। अब हम बात करते हैं लोअर बाउंड की। लेट p बी अ पोसिट एंड x बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ p, देन b बिलोंग्स टू p इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड ऑफ x इफ b लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। x इज सेट टू बी
bounded below if x has an lower bound in P. तो यहां पर हमने चार चीजों को डिस्कस करा है, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो. यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, ये भी स्टैंडर्ड नोटेशंस नहीं है, सिर्फ एक रिवीजन के हिसाब से. अपर बाउंड, लोअर बाउंड, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो. मैंने इसको जितना हो सके उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीमम और इन्फिमम. इन्फिमम ऑफ नॉन एम्प्टी सेट x की हम बात करने वाले हैं कि सुप्रीमम किसे कहते हैं, इन्फिमम किसे कहते हैं, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कोसेट P. ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है. अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.